हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, आज फिर से हम लोग वहीं जाएंगे ब्लॉग। शशि भी आ गया है और उससे मेरी बात हुई थी कि आज जाएंगे ब्लॉग। वैसे वो पहले पूजा करने जाएगा, आज मंडे है तो देखते हैं वो पूजा करके आएगा, उसके बाद हम लोग चलेंगे। शायद मुझे लगता है वो जो महादेव कोना है वहीं पर जाएगा, तो मैं भी चलूँगा। तो देखते हैं, अगर मैं भी जा पाऊँगा तो चलेंगे, क्योंकि मुझे भी पूजा करना था बट काफ़ी भीड़ रहती है आज, तो इसीलिए मैं आज वहाँ पूजा नहीं करूँगा, क्योंकि ज़्यादा भीड़ भाड़ में टाइम लग जाएगा ना गाइस, इसीलिए उसके बाद हम लोगों का यहाँ काम नहीं होगा। तो सीधे चलते हैं शशि के पास, देखते हैं वो घर पे है या फिर अपना महादेव कोना गया है या पूजा करने कहीं भी गया होगा। तो चलते हैं गाइस, लेट्स गो। तो दोस्तों, फिर से मेरा ये पिंपल्स तंग कर रहा है अब। क्या पता, ज़्यादा अंडे वंडे खा लिए मैंने, क्या किया, पेट पे गर्मी हो रखी है। तो आज श्रावण का पहला मंडे है, तो सभी मंदिरों में तो आज पूजा वूजा चल रही होगी। तो चलिए देखते हैं, एक झलक हम लोग भी जाके देख के आते हैं। कब आएगा तेरा पापा? कहाँ गया है पूजा करने? कहाँ? तो देखिए गाइस, शशि के घर आया मैं और शशि नहीं है घर पे। इसका बेटा बोल रहा है थोड़ा देर पहले गया है, बहुत लेट कर रहा है अभी, वैसे भी 10:30 बज रहे हैं। तो देखिए क्या होता है अब। दोस्तों, हम लोग सभी जा रहे हैं मंदिर। ये देखिए, दोनों बहनें यहाँ बैठी है और आगे में दो बैठे हैं और बीच में एक बैठी है, दिख नहीं रही है। देखिए, छह लोग हम लोग एक ही बाइक में जा रहे हैं। तो सीधे आपको महादेव कोना को मिलेंगे। चलिए, ज़्यादा भीड़ भाड़ तो नहीं है, काफ़ी खाली खाली सा है। अगर कोविड नहीं होता तो काफ़ी भीड़ होता, बट फिर भी पूजा हो ही रही है और होनी भी चाहिए। तो दोस्तों, पंडित जी ने वीडियो करने से मना कर दिया, क्योंकि कोविड चल रहा है और वायरल हो जाएगा वगैरह वगैरह इधर उधर डालने से बोल रहे हैं। तो मैंने वीडियो नहीं किया जो पूजा वूजा कर रहे थे उसको। तो यहाँ पे मेरा एक पेंटिंग है, आपने पहले भी देखा होगा, कभी मेरे आर्ट वाले चैनल पे भी देखा होगा। तो ये पेंटिंग देखो, मेरा नाम भी लिखा होगा यहाँ पर, तुलसी आर्ट गैलरी, और प्ले बटन भी मैंने बनाया था यूट्यूब का। तो मैं एक बार नया बनाऊंगा, तो ये एक दो हफ्ते में, मतलब ब्लॉक वाला काम को कम्प्लीट करके फिर इसे बना लेंगे। तो कमेंट करके बताइएगा मेरा ये पेंटिंग कैसा है। दोस्तों, मैं उन लोगों को छोड़ के आ गया वापस और अभी सीधे जाऊंगा, काम के लिए भी लेट हो रहा था, तो बस मुझे छोड़ना था उन लोगों को। मैं वो लोगों को छोड़ के आ रहा हूँ वापस, क्योंकि पूजा तो उन्हीं लोगों को करना है और मुझे तो अभी काम पे जाना है, इसलिए लेट हो रहा है गाइस। तो चलते हैं सीधे, तो सीधे आपसे वर्किंग स्पॉट पर मिलेंगे, ब्लॉक महिला विकास मंडल। दोस्तों, हम दोनों ने काम को स्टार्ट कर दिया है,
सस्ती, फिर से वो ब्लैक वाला जो पेंट कर रहा है, और मैं यहाँ पे लिखूँगा लाइनिंग हम लोगों ने कर लिया है इसमें, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा लाइनिंग हो गया है। और वो देखिए वो पूरा ब्लैक, ये दोनों में पूरा ब्लैक हो जाएगा, ब्लैक के ऊपर वाइट कलर से लिखाएगा। तो पहले हम लोग इसको लिखते हैं, आपको दिखाते हैं कि कैसे लिखते हैं हम। तो दोस्तों मैंने दोनों को लिख दिया, और ऊपर से इसमें सिर्फ हेडलाइन उसका बचा हुआ है, जो हेडिंग होता है वो, कहने का मतलब ये कंप्लीट ही है, खाली हेडलाइन लिख देंगे बस हो गया। अब इधर स्टार्ट करते हैं गाइस। तो इस साइड ब्लैक ब्लैक दो है यार, एक वो पहले पिंक वाले बोर्ड को स्टार्ट कर देंगे, उसमें भी 18 लाइन का कुछ लिखना है, 18-17 लाइन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस साइड भी मैंने कंप्लीट कर लिया है, तो देखिए कैसा लग रहा है। इसमें भी ऊपर का जो हेडिंग होता है वो मैंने नहीं लिखा है। तो और यहाँ ये तो सूखेगा नहीं, अभी बहुत अभी अभी पेंट हुआ है तो सूखने में काफ़ी लेट लगेगा, हाथ पे आ जा रहा है, इसको छूने से हाथ पे आ जा रहा है, ये देखिए। तो इसमें तो अभी नहीं लिखा है, हम लोगों को व्हाइट कलर से लिखना है इस पर, देखते हैं जब सूखेगा तब लिखेंगे, अगर आज नहीं सूखेगा तो कल लिखेंगे। तो दोस्तों हम लोगों को एक छोटा ब्रश चाहिए था, जो कि है वही 8 नंबर या फिर 6 नंबर, जो कि हम लोग इसमें यूज करेंगे। तो हम लोग पास है नहीं, तो हम सोच रहे हैं कि हम लोग जे दुकान जाके आते हैं, यहाँ पे एक सिंथेटिक बाल वाला ब्रश लगता है, चलिए जाके आते हैं। दोस्तों वापस आ गए हम लोग, और ये है ब्रश वही, जो कि है 8 नंबर का, शायद दिखेगा नहीं दिखेगा, हाँ नहीं दिख रहा है। तो इसी को लेने के लिए गए थे हम लोग, तो इसमें लिखने के लिए यही ब्रश यूज़ होगा, और इसे बड़ा बड़ा मेरे पास ब्रश था, इसलिए एक्चुअली ये चीज़ इसके लिए भी ज़रूरत पड़ता, बट मैंने बड़ा ही ब्रश से लिख दिया, इसलिए थोड़ा सा उतना फिनिशिंग नहीं दिख रहा होगा, बट चलेगा हम लोग के लिए, ये वॉल पेंटिंग है चलता है, वैसे भी रेट सस्ता है यहाँ का। हम लोग कब पिएंगे चाय? हम लोग भी पिएंगे चाय। दोस्तों हम लोग फिर से आए हैं अपना ढाबा चाय पीने के लिए, और मेरे साथ है रुपेश से नागड़ू बोलते हैं प्यार से। तो चाय पीते हैं फिर उसके बाद सीधे जाएंगे घर। दोस्तों फाइनली मैं अपने रूम आ गया, इससे पहले मैं थाना गया था, मतलब बसिया थाना, वहाँ पे शायद कल निरीक्षण होने वाला है पुलिस थाने में, तो इसीलिए वो लोग मैप बनवा रहे हैं, को शायद DC साहब आ रहे हैं, तो शायद इसीलिए वहाँ कुछ कुछ तैयारी कर रहा है, तो मैप होना वो लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। यार आजकल डिमोटिवेट हो जा रहा हूँ मैं, कहने का मतलब ना मेरे वीडियो पे लाइक आ रहे हैं, ना व्यूज़ आ रहे हैं, ना सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, तो कहने का मतलब एक एक बार लगता है कि वीडियो फालतू बना रहा हूँ मैं, क्योंकि मतलब मज़ा ही नहीं आ रहा है, मतलब आज ऐसा लग रहा था, कल तो वैसे मैं पूरा बना ही लिया था, बट आज मुझे वैसा लग रहा था, बट कोई नहीं फिर भी बनाऊंगा मैं, देखता हूँ कितने दिन तक आप मेरा वीडियो नहीं देखोगे, आपको देखना पड़ेगा एक दिन। कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, मेरी वीडियो आपको पसंद नहीं आती है,
बट यार पेंटिंग वेंटिंग तो पसंद आती होगी ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और वैसे आज वहाँ काम भी हम लोगों ने मतलब 1-1.30 बजे हम लोगों ने चालू किया था, तो कितना हम लोग काम करेंगे, इसलिए वहाँ भी पूरा काम कंप्लीट नहीं हो पाया, क्योंकि काम कंप्लीट करना ज़रूरी है। इस महीने के अंदर हम लोगों को वहाँ से काम करके निकल जाना है, कहने का मतलब 2-3 दिन के अंदर में, तो देखते हैं हो पाएगा या नहीं। पूरा जोर लगाऊंगा मैं कल से, क्योंकि काम को जल्द पल्द निकालना है। नेक्स्ट मंथ मैं वहाँ महादेव कोना, आपको सुबह में दिखाया था, वो पेंटिंग बनाने जाऊँगा वहाँ पर महादेव बाबा का। ये फर्स्ट था ना, ये फर्स्ट वीक था, सेकेंड या थर्ड वीक में मैं उसे बना लूँगा, मतलब वहाँ पेंटिंग बना लूँगा, तो आपको ज़रूर दिखाऊँगा गाइज, आप देखना वहाँ पे। और मैं अपना नाम तो लिखता हूँ, आप उसमें आपने देखा भी होगा, वो वाला पेंटिंग में मेरा नाम लिखा हुआ था, तो मैंने जिक्र किया था मेरा, देखो यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ है, और यूट्यूब का वो प्ले बटन मैंने वहाँ पे बना दिया था और मेरा नाम नीचे लिखा हुआ था। प्लीज़ आपकी हेल्प की बहुत ज़रूरत है मुझे, मदद हो जाएगी गाइज आपकी। हम लोग को बहुत गरीबी देखी है गाइज हम लोगों ने भी, बट अभी थोड़ा सा पेंटिंग वगैरह काम करते हैं, तो मतलब यहाँ मैं रेंट रह लेके क्यों रह रहा हूँ, पेंटिंग के वजह से। मतलब तोरपा में मैं वहाँ कंपटीशन है गाइज, वहाँ पर ढेरों सारा पेंटर हैं, तो वहाँ पे काम वाम नहीं मिलता है, तो यहाँ इकलौता पेंटर हूँ मैं, तो सब मुझे ही ढूँढते हैं, और सारे ब्लॉक वगैरह आंगनवाड़ी जितना भी मतलब सरकारी जहाँ भी काम होता है वहाँ पे हम मैं ही करता हूँ। इसीलिए गाइज आपको भी मैं थोड़ा सपोर्ट मांग रहा हूँ कि प्लीज़ सपोर्ट करें मुझे भी। मेरी वीडियो तो आपको पसंद नहीं आ रही है, फिर भी गाइज लाइक कर देना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर कल मिलूँगा आपसे एक नए ब्लॉग पे, तब तक के लिए